तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि कम से कम जो छह साथी हैं वो सीट की रिक्वेस्ट करके जुड़े, क्योंकि देश का इतना बड़ा बदलाव ऐसे पीछे रहकर नहीं हो सकता है। अभी कुछ संस्थाओं से मेरी बात हुई तो उनका कहना यही था कि साहब आप 9 दिन में 100 करोड़ की बात कर रहे हैं और आपको तो कई 9 दिन हो गए हैं, 3 महीने का समय हो गया है, फिर आपकी संख्या 5,000 5,500 तक क्यों है। तो उसका बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूं कि हमारे लोग जो है वो निष्क्रिय हैं। देश का इतना बड़ा बदलाव जिसमें भारत जो है जिसपे कि हमारे ही देश के राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप रखे हैं, कितने दुष्ट हैं हमारे ये राजनेता। अब समय आ गया है कि ऐसे दुष्ट राजनेता जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून और अपारदर्शी बादशाही व्यवस्था थोप के रखी है, जहां पर कि देशवासियों की जायज रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती है और दुष्ट लोगों की रिपोर्ट फर्जी होने के बावजूद भी पैसे देने के आधार पर आसानी से लिख दी जाती है, फर्जी दो चार गवाह खड़ा करके कई बार जो है निर्दोष साथी वो जेल के शिक्षे के पीछे भी पहुंच जाते हैं। क्या ऐसी दुष्ट व्यवस्था अपने ही देश के राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों के ऊपर थोपी है, यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा तो नहीं है। देखिए, विगत 75 वर्षों में हमको मूर्ख बनाया गया। अभी हमारे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन किसी भी राजनेता ने यह नहीं बताया कि आपके ऊपर हमने अंग्रेजों ने जो गुलामों को, भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, कुंठित करने के लिए मानवीय तिरस्कार जो है ना देने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, हमने दुष्टता पूर्वक अपने ही देशवासियों पर उसे लाद के रखा है। ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था, ऐसी लाटसावी व्यवस्था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर लाद के रखी है। ये राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के कारण यह राजनेता बने हैं, इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है दगाबाजी की है, विश्वासघात किया है और उन्हें महत्व नहीं दिया, उन्हें नजरअंदाज किया। जिन कार्यकर्ताओं ने उनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए और कई बार पुलिस की लाठियां खाई, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की और उनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी है, आज अधिकांश राजनेता उन्हें चंद रुपए देकर इन कार्यकर्ताओं की हैसियत एक किराए के टट्टू जैसी कर दी है। बेचारे कार्यकर्ता थोड़े मोड़े लाभ के लिए फिर भी इनसे जुड़े रहते हैं और ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हुए उनकी जगह पर अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को
अपने आकाओं के बच्चों को और जाति और धर्म के आधार पर भी अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को ही टिकट देते हैं। यह दुष्ट राजनेता यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति उसको धोखे से टिकट नहीं मिलना चाहिए। यह दुष्टतापूर्वक छदम नीति से जीतते हैं। इन्होंने अपनी आईटी सेल बना के रखी है जिसके माध्यम से अपनी बेकार की योजनाओं को का मेहमानगान करते हैं, अपने अपोजिट वाले लोगों को उनका कद छोटा करने की कोशिश करते हैं और आईटी सेल के माध्यम से सोशल मीडिया में जुड़े हुए ऐसे युवा, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर अपनी व्यूअरशिप लाखों और करोड़ों तक पहुंचा दी है, यह दुष्ट राजनेता उन्हें टारगेट करके अपने पे रोल पर लाते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पे आप यह बात आसानी से देख सकते हैं कि वह भय फैलाने का काम कर रहे हैं, और यदि हम उसे ध्यान से देखें तो वो भय फैलाना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लाभ के लिए होता है। इन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को जो है अपने कब्जे में कर लिया है। होर्डिंग के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा यह आपको सत्य से रूबरू ही नहीं होने देते। देखिए ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाकर आज भारतवासियों को इस भ्रम में रखा है कि वह आजाद हैं, जबकि इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। यह कत्ल की रात जैसे घृणित कार्रवाई करके जीतते हैं। मुझे बताया गया है कि कत्ल की रात जो है, चुनाव की रात को कत्ल की रात कहा जाता है, जिस समय ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और पैसे बांटते हैं और गरीब लोगों के वोट को खरीदते हैं और फिर जो है राजसत्ता में खुद को स्थापित कर लेते हैं। मुझे लगता है अब इन सभी राजनेताओं का पाप का घड़ा भर चुका है। मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अपने आप को ऊर्जाकृत किया, अपने आप को जो है संकल्पित किया और अपने आप को शपथकृत किया, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ होकर इन सभी राजनेताओं को अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से पराजित कर पाएंगे। ऐसे अदृश्य, अनजाने से, बिना किसी पहचान के यह चंद्रगुप्त बड़े से बड़े दिग्गज राजनेताओं को, जिन्होंने जो है कई बार सांसद रहे हैं, कई बार जो है विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री रहे हैं, यह ताश के पत्ते की तरह जो है ना ढह जाएंगे और इन्हें चंद्रगुप्तों के अनजान चेहरों के सामने जो है पराजित होना होगा और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। हम 21 ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस देश के इकोसिस्टम को बदल देंगे, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और जिम्मेवार बनाया जाएगा। यदि व्यवस्था में बैठे लोग जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें दंड के साथ साथ विक्टिम को जो है हर्जाना देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेंटी के साथ अवतरित होगा, जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन की अधिकतम अवधि में
अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद करेगा और अधिकतम 15 दिन की अवधि में चार्जशीट न्यायालय में पेश हो जाएगी। तृतीय सर्टेनिटी के तहत हम न्यायालय में बिना जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हजारों की संख्या में, जिसमें जजेज होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, जिन्हें एक बेसिक पे मिलेगी और मुख्य सैलरी उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगी। लिहाजा ना जजेज की संख्या बाधक होगी, ना डिफेंस लॉयर की संख्या बाधक होगी और ना ही प्रोसिक्यूशन लॉयर की संख्या बाधक होगी। हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय दे सकेंगे। और न्याय भी कैसा, जहां पर कि यदि जज दुष्टतापूर्वक उपलब्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज करके यदि गलत निर्णय लेता है तो उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान होगा, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। जो अपील अगेंस्ट जज होगी, इसका मतलब है कि जज ने पर्याप्त साक्ष्य को होते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, वैसी स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जज महोदय को खुद खड़ा होना पड़ेगा कटघरे में और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वह है अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें महाअभियोग के माध्यम से दंडित किया जाएगा और विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाएगा। लिहाजा ना ब्यूरोक्रेसी ना ही जुडिशरी, लॉर्ड कोई भी नहीं होगा, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और यदि वो ड्यूटी ठीक ढंग से निर्वहन देशवासियों के हित में नहीं की गई तो उनको उनकी जगह दिखा दी जाएगी, उन्हें जो है उसको भोगना भी पड़ेगा और कंपनसेशन भी देना होगा। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था, वो भी जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय देगी, ऐसी व्यवस्था। फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में डिफरेंट इनपुट के माध्यम से, जिसमें क्राउड सोर्सिंग भी एक बड़ा माध्यम होगा, हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री की जानकारी उपलब्ध होगी और सिस्टम बड़ी आसानी से है अनुमान लगा पाएगा कि कब जो है अपराधी अपराध करने के लिए निकल रहा है, उसके एसोसिएट्स कौन है, वो किस वाहन में है, किस रास्ते का उपयोग कर रहा है और उसके अपराध का टारगेट कौन है। और फिर जो है यह व्यवस्था स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से, विकास दुबे जैसा केस नहीं होगा, क्योंकि हमें जानकारी है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो हम अपराधी को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे। कभी लोगों को दिखाने के लिए यदि हम इन कुत्तों को शेर की हैसियत से पकड़ना चाहते हैं तो हम शेर की तैयारी से जाएंगे। 99.9% केसेस में अपराध घटित होने के पहले अपराधी को पकड़ा जा सकेगा और आगे चल के 5 साल की अवधि में अपराध करना भारत में एक ऑप्शन नहीं बचेगा। और जब हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम है तो कोई कारण नहीं बनता है कि हम अपराधी को अपराधी बने रहने दें। यहां पर जो है 5th सर्टेनिटी आती है और वो सर्टेनिटी कहती है कि हे अपराधियों, अब अपराध करने का ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, लिहाजा ये तुम्हारे हित में है कि तुम रिहैबिलिटेट हो जाओ और फिर उसको अच्छे ऑप्शन देते हुए उसको यदि जरूरत है तो स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा और उसे जो है रिहैबिलिटेट किया जाएगा, पुनर्वासित किया जाएगा। लिहाजा अपराधियों की संख्या सनई सनई घटती जाएगी।